साइक्लोन दाना का रौद्र रूप शुरू। इन राज्यों में भारी तूफान की आशंका। कहां होगा लैंडफॉल? बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग में बना चक्रवाती तूफान दाना अब काफी खतरनाक हो गया और इसके शुक्रवार सुबह तक ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल सागर द्वीप पार करने की उम्मीद है। जिस वक्त ये वहां के कोस्टल एरिया से टकराएगा तब इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इसकी वजह से ओडिशा बंगाल में भारी से बहुत भारी प्रभाव दिखने की आशंका है। इसके अलावा तेज बारिश का हाई अलर्ट है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने चक्रवात के मद्देनजर 24 और 25 अक्टूबर को 150 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि साइक्लोन दाना शुक्रवार की सुबह ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा गति के साथ दस्तक देगा और करीब 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। इसके अलावा तेज बारिश भी होगी। IMD ने 25 अक्टूबर को उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूरब और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, कोलकाता, हावड़ा, केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति हुगली जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया है। द इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जहाजों और विमानों को तैनात किया गया है। ओडिशा सरकार ने लगभग 800 चक्रवात आश्रय केंद्र तैयार रखे हैं। वहीं ओडिशा की 14 जिलों और बंगाल के 7 जिलों में 25 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। ओडिशा सरकार की ओर से 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने बुधवार शाम को चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा की और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और आपदा में जान माल का नुकसान ना हो। देखिए, जो अभी साइक्लोन दाना के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से प्रस्तुत है। हमें 2 ODRAF की टीम और 2 NDRF की टीम हमारे पास डिप्लॉय की गई है और इनको हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हम इनको डिप्लॉय करेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 0 कैजुअल्टी इंश्योर। कुल कितने सदस्य है? प्रति टीम में 36 मेंबर्स की टीम। मोस्टली किस जगह पे आप लोग टारगेट? हमारे जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं जैसे कि अस्तरंग, काकटपुर, कोणार्क, जो हमारे समुद्र कुल से जो नजदीक है वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट मेजरली रहेगा। और जो लोग आप सुन रहे हैं सर, जो पर्यटक हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? पर्यटक से हमारा यही संदेश रहेगा कि वो पैनिक ना करें। मतलब जो भी एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट और SRC की तरफ से आ रही है, ऑफिशियल IMD प्रेडिक्शंस जो आ रहे हैं उसको फॉलो करते रहें और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो निर्देश टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करें। सेफ रहें, घर के अंदर रहें।